और अब ये बहुत बड़ी खबर आ रही है हिमाचल में नेम प्लेट विवाद पर, बहुत बड़ी खबर। मंत्री विक्रमादित्य को कांग्रेस नेतृत्व की फटकार। सूत्र हमें ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि आलाकमान ने सीएम सुक्खू को भी नसीहत दी है। विक्रमादित्य ने यूपी मॉडल लागू करने पर बयान दिया था। विक्रमादित्य के बयान से कांग्रेस नेतृत्व असहज है। तो सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे दोनों नाराज हैं। विक्रमादित्य सिंह ने जो बयान दिया था उस बयान से कांग्रेस का जो आलाकमान है, जो लीडरशिप है, वो नाराज। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के नाराज होने की खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में नेम प्लेट विवाद पर अभी की बड़ी खबर। मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस नेतृत्व की फटकार भी लगी है। आलाकमान ने मुख्यमंत्री सुक्खू को भी नसीहत दी है। तो यूपी मॉडल वाली जो बात कही गई थी, ऐसा लग रहा है कि विक्रमादित्य सिंह पर यह भारी ना पड़ जाए। हिमाचल में नेम प्लेट विवाद पर अभी की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। जो बयान दिया गया था मंत्री विक्रमादित्य सिंह की तरफ से, उस बयान से कांग्रेस का आलाकमान नाराज है। यानी टॉप लीडरशिप जो कांग्रेस की है वो असहज है इससे। योगी मॉडल लागू करने की जो बात कही गई थी उससे बताया जाता है कि कांग्रेस का जो आलाकमान है, जो नेतृत्व है, वो नाराज है। हमारे साथ इस बीच जैनेन्द्र जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। जैनेन्द्र, क्या कुछ जानकारी और मिल पा रही है? क्या दोनों नेताओं को फटकार लगी है, सुखविंदर सुक्खू को भी और इन्हें भी, मंत्री विक्रमादित्य सिंह को? बिल्कुल, कांग्रेस के उच्च सूत्रों से हमें जानकारी मिली है कि विक्रमादित्य के बयान से काफी नाराज है पार्टी, और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष और राहुल गांधी दोनों नाराज हैं। यही वजह है कि मंत्री विक्रमादित्य सिंह को फटकार लगाई गई है, मुख्यमंत्री सुक्खू को भी नसीहत दी गई है और निर्देश दिया गया है कि कोई भी जो फैसला है वो कानून और संविधान सम्मत हो और इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि इससे भेदभाव या उत्पीड़न किसी का ना हो। हालांकि सफाई देने की कोशिश की गई सीएम और मंत्री की तरफ से, लेकिन खासतौर पे यूपी मॉडल वाला जो बयान था विक्रमादित्य का, वो काफी नागवार गुजरा है पार्टी नेतृत्व को। और यही वजह है कि मंत्री को नसीहत दी गई है, फटकार लगाई गई है और कहीं ना कहीं विक्रमादित्य ने माना। सूत्रों ने बताया है कि यूपी मॉडल वाला जो उनका बयान था कि हिमाचल में भी यूपी की तर्ज पर नेम प्लेट लगवाए जाएंगे रेहड़ी पटरी पर, उन्होंने माना है कि उनका जो बयान था वो गलत था और यही वजह है कि उन्हें बयान को ठीक करने के निर्देश दिए गए थे। इसके बाद आज विक्रमादित्य ने अपने बयान में सुधार किया है। देखिए, सूत्रों में बता रहे हैं कि हिमाचल सरकार की तरफ से यह सफाई दी गई है कि चूंकि हिमाचल का जो अर्थव्यवस्था है वो पर्यटन पर आधारित है, बड़ी संख्या में बाहर से पर्यटक जो है आते हैं और रेहड़ी पटरी की जो गुणवत्ता है उस पर हिमाचल की अर्थव्यवस्था टिकी होती है, अगर शिकायतें आती हैं तो पर्यटन प्रभावित होता है। इसी वजह से जो है एक ऑल पार्टी कमेटी विधानसभा के द्वारा बनाई गई थी जिसके बाद यह फैसला लिया गया है। और कांग्रेस नेतृत्व ने साफ निर्देश दिया है कि कोई भी फैसला जो है वो भेदभाव या उत्पीड़नकारी ना हो और खासतौर पर जो बयान विक्रमादित्य ने कल दिया कि यूपी की तर्ज पर नेम प्लेट लगाया जाएगा, इस बात से काफी नाराज कांग्रेस लीडरशिप है और यही वजह की फटकार लगाई गई है विक्रमादित्य को, उन्हें बयान में सुधार के निर्देश दिए गए। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। दरअसल यूपी की तरह हिमाचल में भी नेम प्लेट का नियम लागू होने जा रहा है, इसे लेकर कांग्रेस के नेता बटे हुए हैं। विवाद इसलिए हुआ क्योंकि कल हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि यूपी की तरह हिमाचल में भी नेम प्लेट की व्यवस्था होगी। इस पर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ने सवाल उठा दिए। अब एक बार फिर विक्रमादित्य सिंह का बयान आया। विक्रमादित्य का कहना है कि हिमाचल के फैसले में यूपी योगी का लेना देना नहीं, हिमाचल सरकार को ही यह सब करना है। योगी सरकार, यूपी सरकार से कोई कनेक्शन नहीं है, सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का यह कदम है। इसमें जो घटनाक्रम पिछले कुछ समय में बीता है उसमें एक शांतिप्रिय माहौल बनाना ये प्रदेश सरकार की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की जिम्मेवारी बनती है। और इसमें माननीय हाईकोर्ट ने भी समय समय पर यह कहा है कि टाउन वेंडिंग कमिटीज़ जो है वो म्यूनिसिपल लिमिट्स के अंदर हिमाचल प्रदेश के अंदर बनाई जाए ताकि जहाँ पर भी जो वेंड्स बन रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से वेंडिंग जोन्स बनाए जाए और जगह जगह पे लोगों को वहाँ पे बसाया जाए। हमने ये भी कहा है कि बाहर के राज्यों के लोगों को हिमाचल में आने के लिए स्वागत है, मगर प्रदेश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और साथ साथ जो हाइजीन के इश्यूज आते हैं क्योंकि ईटरीज जब चलती हैं तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। पीछे हमने जो बैठक करी है उसमें ये कहा है कि इसके लिए जो है वो आइडेंटिफिकेशन जो भी वेंडर्स होंगे उनकी करवाई जाएगी। इसमें यूपी का या योगी जी से इसका कोई लेना देना नहीं है, हिमाचल प्रदेश एक अलग प्रांत है, हिमाचल प्रदेश के अलग मसले हैं, हिमाचल प्रदेश के लोगों के अलग मुद्दे हैं।
और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि विक्रमादित्य सिंह ने कल क्या कहा था और इस पर किस तरह छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के बड़े नेता टीएस सिंहदेव ने सवाल उठाए थे। जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं, पर्टिकुलरली जो खान पीन का सामान बेच रहे हैं, तो उसके ऊपर जो है हमको दोनों तरीके से हाइजीनिक रूप से भी उसके ऊपर जो है एक्शन होना चाहिए, क्योंकि सफाई वाला खाना बिकना चाहिए, मगर क्योंकि इसमें बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी, जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं हूँ। जो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था छोटा, कि अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है, ये निंदनीय है। और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।